चलो ना चलो 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 आगे जाओ ना। नहीं नहीं अब आगे जाओ। काफी सही है यार ऐसे बारिश के मौसम में ना जीरो अनक बहुत सही है, बहुत ज्यादा सही है। ये देखो गाइस दिस इज द ब्यूटी ऑफ जीरो, क्या ही नज़ारा है सर। ऐसा नज़ारा देखने को मिले ना तो रोज में आना चाहूंगा सर, रोज आना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आफ्टर लॉन्ग टाइम तो गाइस फाइनली इतने दिन के बाद हम फिर से आ चुके हैं नए ब्लॉग पे, नए एपिसोड। आज का टॉपिक बता देता हूँ, आज का टॉपिक तो एकदम सीधा सीधे। अभी मॉर्निंग के बज रहे 4:30, तो आज हम लोग निकल रहे हैं जीरो के लिए। राइट नहीं होगा आज ब्लॉग होगा, हम आज प्लेन बन के जा रहे हैं। आज मैं अपना पेंथर नहीं ले जा रहा हूँ, तो मैं एक बैग के साथ में उसका प्लेन बेच के जा रहा हूँ। प्लीज इस वीडियो पे जितना कॉमेंट कर देना, वैसे आप लोगों को कॉमेंट से बहुत मोटिवेट मिलता है मुझे। चलो मिलते हैं आपको सीधे ग्रुप के बीच में। तो गाइस फाइनली जो आप लोग का साथी था जिसके साथ आज हम जाने लगे जा चुके, ये देखो दिल्ली अंगूरी और ये रहे पप्पू, उसके बाद ताकि भोहिर और सारा को बताओ आज इतना लेट आके कैसे लग रहा है। 5 बजे का प्लेन बनाया और ये दोनों सुबह सुबह उसके लेने गए। हो जाए कोई बात नहीं, तो अभी निकलते यहाँ से एंड द फोगी चेक करोगे। सुबह सुबह का मौसम बड़ा सुहाना है उसका। चलो तो अभी निकलते यहाँ से, चलो। तो गाइस अभी हम रास्ता पे रुके हुए थे एंड हमारे गाड़ी पे हो गया है पंचर। तो पंचर हो गया, जो टायर में लीकेज है तो टायर में होल एक ट्यूबल है, उसका वजह से अभी बनाना पड़ेगा इसको। तो अभी बनाएगा, उसके बाद ऐसे निकल देंगे। एंड रास्ता में कुछ एनिमेटिक होगा तो देख लो, पूरा नहीं दिखा सकते। नीचे में दे में अभी बारिश आने के कारण से नदी भी थोड़ा गंदा हो रखा है, वरना थोड़ा सुंदर तो होता है। वेदर जो अलग से, बारिश आएगा जैसे। तो अभी रास्ता में बारिश आ रहा था तो बस थोड़ा भिज भी गया थोड़ा, या फिर कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे हम लोग वापस अपनी मंजिल की ओर। फिलहाल तो सुबह सुबह कुछ खाया पिया नहीं तो उसका वजह से भूख भी लग गया। अभी ब्रेकफास्ट खाने आए तो यहाँ रुक के ब्रेकफास्ट करते हैं और ये लोग मेरा विनय शुरू कर दिए। कैमरा से चुप रहा है, तो कैसे लग रहा है सर? तो ब्रेकफास्ट कैसे है आपका? वो क्वेश्चन मार के चिलिंग करके दिमाग में चल रहा है। तो अब इसको काटे हैं, जैसे निकल जाएंगे हम लोग मंजिल जम्मू को जाना है। खूबसूरत सर नज़ारा को एंजॉय करते हुए अभी यहाँ से निकल जाएंगे जीरो के लिए। अभी लगभग बज रहे हैं आधा घंटा समथिंग, यहाँ रुकने में लग गया 1.5 आवर समथिंग, ऐसे कुछ जाना है। सुबह से अभी निकल रहे हैं हम यहाँ से, वेदर भी अभी कुछ बारिश आने आने वाला है तो जल्दी निकल जाएंगे, नहीं तो बाद में बारिश आ जाने से बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा। हम पहुंच चुके थे जीरो एंड मेरा बाल देख दीजिए भाई साहब, मैंने कट दिया अपना बाल, मैं हो गया चिकना। तो अभी हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, पीछे कुछ इस तरह का नजारा है यहाँ से। तो अभी हमें हम लोग करने वाला है कुछ मजेदार वाला काम जो कि है वगैरह फोटो वोटो खींचेंगे। तो यहाँ से इसके बाद सिक्के लेके जाएंगे, सिक्के लेके जाके उसके बाद कसारी जो जाने के बाद उसके बाद जाएंगे कहाँ जाएंगा पता नहीं, जा भी जाएंगा अब लोग साथ में ले जाएंगा। अभी चलो फोटो वोटो खींच रहे थे एंड यहाँ में देखो लाइन अप करें, हो गया ये देखो। वहाँ भी देखो पानी गिट्टी, यहाँ देखो पानी गिट्टी, बारिश आ रहा है, बारिश भी सही टाइमिंग पे आ गया रे बाबा, खतरा से बारिश गलत समय पे आ गया। और हम सब यहाँ बैठ गए बिले भैया लगे, यहाँ बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कम से कम कितना घंटा हो गया? 1 आवर। कितना घंटा हुआ है?
ये त्यौहार बोल रहे ये वाना बोल किसका भरोसा करेंगे। पिछले एक घंटा होने लगा जब हम लोग रुकते भाई, रेनकोट तो नहीं लाया, अभी बारिश में बुक तो सतीश भाई से तो अभी घूमने जाएगा, लेकिन बारिश नहीं रुक रहे तो क्या कर सकते, थोड़ा देर रुकते हैं, बारिश रुकने से देखते हैं क्या करेगा, क्या करना चाहिए। और ये आदमी सुबह सुबह अनलकी करा मैं, सर आपको कैसा लग रहा था अनलकी करा के सुबह सुबह? नींद लग रहा है, नींद लग रहा है इसका, आपको भी नींद लग रही है। सिनेमेटिक देख लो थोड़ा देर के लिए, बारिश का मजा ले लो, टाइम लैप्स देख लो, मजा आ गया। चलो सीधा मिलते हैं सिनेमेटिक साथ में, चलो। इस खूबसूरत का नज़ारा करते हैं भाई भाई। अभी रुक गया बारिश तो, अभी घूमने चलते हैं। यहाँ पे देखो वाटर फिल्टर करने ये बना के रखा है, और ये जो पानी कट्टी है, और बहुत सारा मेंढक है इसमें, मेंढक बहुत सारा है, बहुत सारा मछली है, बहुत कुछ है इसके अंदर, तो बहुत हरा भरा है इसे देखने के लिए। सब हम निकलते यहाँ से, दो गया बाइक फोरा, तो छोटा सा मोटर ब्लॉक किया जाए तो चलो। बहुत दिन के बाद जीरो आया था आफ्टर वन ईयर आई थिंक। ये देखो क्या ही सही लग रहा है सच में, बहुत सही लग रहा है ऐसे देखने के लिए ना। ये देखो क्या ही नज़ारा है गाइस, क्या ही सही लग रहा है रे बाबा। घर में बैठ के माटा दिमाग खराब होने से ना, ऐसे नज़ारा बस देखने को आ जाओ। एंड काफ़ी सही है यार ऐसे बारिश के मौसम में ना, जीरो अनक बहुत सही है, बहुत ज़्यादा सही। ये देखो गाइस, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ जीरो, क्या ही नज़ारा है सच में। ऐसा नज़ारा देखने को मिले ना तो रोज़ मैं आना चाहूँगा सर, रोज़ आना, लेकिन एक साल में दो तीन बार हम ये रास्ता से गुजरता है, क्योंकि मेरा होम टाउन यहाँ से ही जाता है। जीरो भी एक टूरिस्ट प्लेस है, ट्यू है बोलने से, बस दिस इज़ द ब्यूटी। अभी हम लोग बोटिंग करने वाला सर, बोटिंग करने में क्या मज़ा आएगा? बोटिंग करने में ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं वो करो ना, माउंटेन ड्यू एक बार वो वाला मीम्स वाला एक बार रिव्यू दिखा दो ना। नहीं गिरेगा फोन गायब हो गया, इकट्ठा में पकड़ रहा फोन गायब हो इकट्ठा में। तो यहाँ पे ये देखो शूट हो रहा है, म्यूजिक शूट हो रहा है, म्यूजिक म्यूजिक अब पता नहीं म्यूजिक शूट हो रहा है, अच्छा लग रहा है यार। एंड द व्यू इज ब्यूटीफुल। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? टिकटॉक ही है, टिकटॉक ही। आपका एक्सपीरियंस बढ़िया, कैसा वसूल ऐसे भैया? ठीक है एकदम बढ़िया, ठीक है। तब कैसा लगा आपका राइड? एकदम मस्त है। अब भैया हम चलाने में कितना दिन हो गया? कितना दिन हो गया चलाने में? एक साल हो गया। तो अभी अंतर चलेगा प्रॉब्लम की चलाया था आज, तो मज़ा ही मज़ा, दो दो बाइक चलाने को मिल रहा। मेरा पेंथर को नहीं लाया क्योंकि पेंथर पड़ा है, मतलब ऐसे लॉन्ग राइड नहीं कर सकते, चला तो सकते लॉन्ग राइड नहीं कर सकते। ब्यूटी ऑफ कासा रिजॉर्ट, ये देखो व्यू पॉइंट लिखा हुआ है, ये नीचे से आठ है, उसके वहाँ गेट है, इधर टू व्हीलर कहीं भी पार्क कर सकते हैं आप, तो यहाँ से व्यू दिखता है जो कि बहुत सुंदर है। एंड ये ऊपर में पार्क है जहाँ बच्चा लोग खेल सकते हैं, इसीलिए एज लाइक दिस ऊपर पार्क में चले गए ना। तो अभी घूम लेते थोड़ा, तो जब पहले से हम आया था तब ऐसे कुछ भी नहीं बनाया था, यहाँ पे ऐसे कार्ड डाल के बनाया था। कंटेंट बनाएगा करो।
खराब हो जाता है ये ना, ये जो मतलब हुआ ना क्या, ये चश्मे में था वो हाँ शायद नया थ्री आवर्स चलो ना चलो 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 आगे जाओ ना, नहीं नहीं अब आगे आगे जाओ इसको तो पार कर लो आगे इसके बाद जल्दी भी नहीं जाते देखो तो सर रिसर्च को बहुत इम्प्रूवमेंट किया गया है। हाँ पकड़ से तो रख रहा है ताकि देखो अभी सीरी से ऐसा होना कुछ नहीं होगा तो गाइस काफी मजा आ रहा है अभी अभी हम लोग जाएंगे कमले डिस्ट्रिक्ट जो कि बसमला जो कि कमले डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है एंड कमले के हेडक्वार्टर है रागा। उसके बाद ईटानगर से निकला था जल्दी सुबह या अपन के 9 बजे समथिंग, लेकिन बारिश जो सुबह या मैं 10 बजे को घूमने स्टार्ट करने के लिए किया तो बारिश आने की वजह से अनफॉर्चुनेटली नहीं घूम पा रहा है। घूमते घूमते थोड़ा शाम भी हो गया, अभी जाएंगे हम लोग कमले बसमला, देखते हैं क्या होता है कैसे प्लान होगा। तो अभी हमें भूख लग रहा है तो कुछ सामान मंगवाया था खा लेते हैं एंड अभी यहाँ से भी निकल जाएंगे हम लोग। काफ़ी मज़ा आ रहा है एंड इसका फर्स्ट टाइम है, ब्लू वेब को भी फर्स्ट टाइम है ना, तो दोनों का फर्स्ट टाइम है और मेरा सेकंड टाइम है। अभी 3 बज गया, घूमते घूमते 4-5 बज जाएगा, सब कुछ बंद हो जाए। कल संडे है तो देखते हैं क्या होता है, कल अगर कुछ खुलता है उल्टा बोलने से कल देख लेंगे, अगर नहीं खुलता है बोलने से तो डिसाइड करते हैं कल क्या होता है। चलो तो अभी कुछ खा लेते हैं, तो अभी खा के पी के अभी निकलते घूमने के लिए कमले डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि बहुत सुंदर जाना है हमें तो आ जाते हैं। तो आज वापस ईटानगर नहीं जा पाएगा, बहुत अंधेरा हो गया उसका वजह से। अभी शाम के बज गए 3, बहुत सुंदर में आती है स्टे करने लाए, तो हम लोग तो आ जाएंगे एंड स्टे करेंगे एंड कल वापस भी होता है तो कल वापस जाएंगे उधर। तो चल निकल रहे बहुत सुंदर के लिए रात की बस। अभी रात बहुत ही ज़्यादा रात हो गया जा है, बहुत ही ज़्यादा रात के 9 बज चुका है लगभग समथिंग। तो अभी हम कैंपस वॉक करने बाहर आए हैं, आज यहाँ स्टे करेंगे बस मिला में एंड टुमारो वी आर गोइंग समवेयर। तो कहाँ जाना है कल डिसाइड कर लेंगे, आज डिसाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि आज देखते हैं क्या होगा क्या फील लगता है। ज़्यादा घूमते घूमते समय भी चला गया और सब। The next day. Hey guys, welcome back to my channel. This is my second day on Kamle. तो guys आज हम लोग का second day है Kamle. तो अभी हम लोग जा रहे हैं करादरे district. आज रात इधर stay किया Kamle में. Dilwe, how is the Kamle wife? Very very hot. See. It's like oven in here. Oven blazer करो. लगे? How is your life? एकदम जकास. And how is the Kamle weather right now? Very nice. Bye bye, Aji. हैंडसम है थे दोनों। ठीक है गाइस अभी निकलते हैं हम लोग यहाँ से सीधा घूमने के लिए। तो हम पहुँच चुके थे खुरुंग और खोवे ज्वाइनिंग पॉइंट में फाइनली। अभी दिन के बज रहे लगभग 9 बजे एंड अभी हम यात्रा बैठेंगे रेस्ट करेंगे एंड चलो वाइफ एंजॉय करेंगे। दिस इज कुमे आई मीन एंड दिस इज खुरुंग। तो कुमे कुरुंग थोड़ा सप्पा है, कुमे थोड़ा गंदा आ रहा है क्योंकि ऊपर शायद में थोड़ा बारिश आ रहा है का वजह से, यहाँ में नहीं आ रहा लेकिन ऊपर में आ रहा है बारिश उसका वजह से थोड़ा गंदा है। जब पहले साल यहाँ में पहले साल को जब आते समय को ये वो पत्थर भी होता है मतलब ऐसे बालू हुआ करता था, लेकिन अभी ऐसे हो गया कि पत्थर भी अंदर चला गया। तो यह वाइप आ लगे कुरुंग और कुमे खराब भरा है देखने देखो। मस्ती करेंगे एंड 5-10 मिनट यहाँ रुकी है, उसके बाद जैसे हम निकल जाएंगे वापस कमले, उसके बाद फिर लोअर सुबनसिरी, उसके बाद फिर पप्पू पारे ईटानगर जो हम लोग देखते नहीं है।
ग्रास ऊपर पक रहा था, ये देखो वही बंची में डालने के लिए इस टाइम पास करके मछली पकड़ी होगी। मछली किसका पता नहीं, देखो कट दिया पाव को, कट दिया बोतल तो उसको अभी क्या करेंगे। प्लीज नेक्स्ट टाइम आने से आप लोग बियर और पियो, लेकिन ऐसे बोतल ग्लासेस को मत पीको, एक जगह में जमा करके रखो, क्योंकि जो काली पाव घूमते हैं पाव कटने का थोड़ा चेंजेस होते हैं। फाइनली हम आ चुके थे वहां से करावे डिस्ट्रिक्ट से, वापस अभी हम लोग जा रहा है तनागर अपुम परे। आपको हैंगिंग ब्रिज में कैसा लग रहा है? बहुत सुकून मिल रहा है, अलग ही मजा है ना। पीसफुल लगे? हाँ बढ़िया एकदम, पहले कभी ऐसा नज़ारा नहीं देखा। अच्छा एंड आगे हम जहाँ में था वो था कुरुम और कोमे का ज्वाइनिंग पॉइंट, उसके बाद वहाँ से और ये नदी जो दिख रहा है ये बन जाता है कमले हैंगिंग ब्रिज का। हम बहुत साल से मतलब आके देखे और के था, लेकिन कभी मौका नहीं मिला, तो आज घूमने का बहाना में ऐसा मौका मिल गया, सो बहुत अच्छा लग रहा है अभी। नहीं अभी टूटा हुआ है, ऐसे टूटा बहुत सारा आपको मिल जाएगा, देखो टूट के रहा है, नीचे गिरेगा गया जैसे वाला, हवा में भी टूट के बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। एंड नदी देख लो गाइस, क्या ही मज़ा नज़ारा है रे। फाइनली हम पहुंच चुके थे जीरो एंड अभी ईटानगर जाना है हमें, जो कि लगभग पड़ेगा और हमको 2 आवर्स का और रास्ता है। फिलहाल तो रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए रुका हूँ क्योंकि भूख भी लग गया। फ्राइड राइस को कहेंगे एंड काकी यहाँ से भी निकल जाएंगे, रास्ते में जितना बड़ी तकलीफ होगा तो मिलते हैं ईटानगर में। चलो देखो रात का 10 बज गए एंड अभी हम ईटानगर वापस आ चुके हैं, प्रॉपर जस्ट पहुँचे एंड आई वॉज गेटिंग बेस्ट। अच्छा भी था ट्रिप, तो प्लीज़ जितना हो सके कमेंट कर देना, लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना मत भूलना। सबसे इम्पोर्टेंट कमेंट है, आप लोग कमेंट से मुझे बहुत अच्छा मोटिवेट मिलता है, तो कमेंट करना मत भूलना। टिल देन बी सेफ।